राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार वर्ष 2021। प्रस्तुत वीडियो की सहायता से आपको आवेदन कैसे करें इस बात की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध होगी। गूगल पर जाकर नेशनल अवार्ड्स टू टीचर्स पर क्लिक कीजिए या आप प्रारंभ में दी गई URL भी प्रयोग कर सकते हैं। अब आप वेबसाइट पर जाकर लिंक को क्लिक कीजिए। वेबसाइट की आईडी है nationalawardstoteachers.education.gov.in। इस पर क्लिक कीजिए और आवेदन करने के समस्त तरीके, आवश्यकताएं तथा अर्हताएं आपको उपलब्ध होंगी। टाइमलाइन पे आप देखेंगे, समस्त शिक्षक जनों से मेरा अनुरोध है कि आप 1 जून से 20 जून तक आवेदन कर सकते हैं। यह आवेदन 1 जुलाई से 15 जुलाई के मध्य जिला चयन समिति द्वारा नामांकित किया जाएगा। 16 जुलाई से 30 जुलाई के मध्य राज्य चयन समिति नॉमिनेट करेगी। 2 अगस्त को MOE इश्यू होगा। 5 अगस्त से 16 अगस्त तक निर्णायक मंडल द्वारा चयन प्रक्रिया। 16 अगस्त 2021 को स्वतंत्र निर्णायक मंडल ज्यूरी द्वारा अनंतिम चयन की प्रक्रिया। 18 अगस्त को पुरस्कार हेतु चयनित समस्त अभ्यर्थियों को माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा स्वीकृति के बाद सूचित किया जाएगा। 4 एवं 5 सितंबर को पुरस्कार समारोह का पूर्वाभ्यास एवं पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया जाएगा। अब फॉर्म कैसे भरें? वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपको 20% और 80% की व्यवस्था के तहत चयन प्रक्रिया दिख रही है। एप्लीकेशन का प्रोसेस तथा विभिन्न स्तरों पर चयन आप देख सकते हैं। मोर पर क्लिक करेंगे तो आगे बढ़ेंगे जिला चयन समिति, प्रदेश चयन समिति तथा केंद्रीय स्वतंत्र निर्णायक मंडल विभिन्न स्तरों पर कैसे चयन करेंगे ये आप देख सकते हैं। इंडिपेंडेंट बाय ज्यूरी एट नेशनल लेवल एंड ऑल। फिर आते हैं मूल्यांकन मैट्रिक्स पर। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया दिया हुआ है जहां पर 1 से 8 तक प्रश्न निर्धारित हैं, जिनके समक्ष उनके निर्धारित अंक लिखे गए हैं। इस क्राइटेरिया के आधार पर ही आपको उत्तर देना है। पहला प्रश्न है कि शिक्षक द्वारा किस प्रकार के प्रयास किए गए हैं। सामुदायिक सहयोग द्वारा विद्यालय को समृद्ध योगदान देने हेतु किए गए प्रयास, कंप्यूटर्स, मिड डे मील, फंड्स, बुक्स आदि को लेकर किए गए प्रयास 3 नंबर के। अगला है पब्लिकेशन। अगर आपका कोई रिसर्च पेपर या आर्टिकल इंटरनेशनल या नेशनल जर्नल में पब्लिश हुआ है तो आप उसको ISSN या ISBN नंबर के साथ विगत 5 वर्षों में दर्ज कर सकते हैं। इसके निर्धारित अंक हैं 3। तीसरा है एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट, विगत 3 वर्षों की आपकी अप्रेजल रिपोर्ट्स, इसके निर्धारित अंक हैं 3। चौथा है कि क्या आप बिना किसी शिकायत के विद्यालय अटेंड कर रहे हैं, इसके नंबर है 3। मेरा मानना है ये सभी शिक्षकों को नंबर मिलेंगे। वेदर द टीचर इज रेगुलरली अटेंडिंग इन सर्विस ट्रेनिंग, ये भी सभी शिक्षक करते हैं। जो भी विभागीय हमारी ट्रेनिंग्स हैं उनको अगर आपने अटेंड किया है तो उसके नंबर हैं 2। उसके बाद में है कि आपने नामांकन वृद्धि के लिए और ड्रॉपआउट्स के रिड्यूस करने के लिए क्या बेहतर प्रयास किए हैं, उसके अंक हैं 2। इसके बाद में है स्वयं या MOOCs प्लेटफॉर्म पे क्या शिक्षक ने नामांकन कराया है, यदि हाँ तो इसके निर्धारित अंक हैं 2। सबसे आखिरी और 8 प्रश्न है कि आपने क्या ई कॉन्टेंट्स या पाठ्य पुस्तक डेवलप की है SCERT, NCERT या बोर्ड के लिए, अगर हाँ तो इसके निर्धारित अंक है 2। इस प्रकार से 20 पूर्णांक पूर्ण होता है। आप देख सकते हैं कि क्राइटेरिया बी दिया गया है जिसमें 3 प्रश्न हैं। पहला है इनोवेशन एक्सपेरिमेंट्स द यूज ऑफ ICT जॉयफुल लर्निंग। अगर आपने जॉयफुल लर्निंग टेक्निक या ICT के प्रयोग से संबंधित कुछ नवाचारी प्रयोग किए हैं तो उनका यहाँ पर विवरण देना होगा। डेवलपमेंट और यूज ऑफ एप्रोप्रिएट पेडागोजिकल जो आपकी शैक्षणिक तकनीक है उनका विवरण देना होगा और वो कितनी है बेस्ड ऑन नंबर स्केल एंड इम्पैक्ट ऑफ इनोवेशन, उनका शैक्षणिक गतिविधियों पर क्या असर है या क्या आउटकम है इसकी भी जानकारी देनी होगी। आपने कितने प्रयोग किए हैं, शिक्षण अधिगम सामग्री तथा शून्य निवेश नवाचार से जुड़ा हुआ ये क्राइटेरिया है, इसके समक्ष इसके अंक 30 निर्धारित है। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्स्ट्रा एंड को करिकुलर एक्टिविटीज, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के बारे में क्या आपने कार्य किए हैं, कितने प्रकार के प्रयोग किए हैं, उनके नंबर, उनका प्रभाव, इसके निर्धारित अंक हैं 25। तीसरे में आ जाएं तो ए और बी पार्ट में ये डिवाइड है। मोबिलाइजेशन ऑफ द सोसाइटी, सामुदायिक सहभागिता एवं सामुदायिक जुड़ाव या सामुदायिक जुटान के लिए आपके किए गए प्रयासों को यहाँ पे दर्ज किया जाएगा। उसके बाद में आप देखेंगे कि आपको बी में पूछा गया है राष्ट्रीय एकता, अखंडता एवं संप्रभुता को अक्षुण रखने के लिए या बढ़ावा देने के लिए आपके किए जा रहे प्रयास, नवाचारी प्रयोगों की जानकारी, वो भी 25 अंकों की है। इस प्रकार से 30 प्लस 25 प्लस 25 ये टोटल यहाँ पर होता है 80।
और ऊपर अभी हमने देखा था 20 पूर्णांक था, 80 प्लस 20 100 पूर्णांक में आपको नंबर दिए जाएंगे। आगे बढ़ेंगे तो विभिन्न प्रदेशों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेशों तथा अन्य केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय संगठन तथा CBSE आदि के स्कूलों को मिलाकर मैक्सिमम अधिकतम जितने भी चयन हो सकते हैं उनकी डिटेल है। 154 चयन अंतिम रूप से हो सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। एक बार पुनः आप देख सकते हैं कि किस तरीके की कंडीशंस हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अवार्ड के लिए। अब आप होम पेज पर जाएंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे, बाईं तरफ लॉगिन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद में आपको दिखेगा ऑर्गेनाइजेशन टाइप, आप उसमें ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालेंगे। उसके बाद में एप्लीकेशन में अपना नाम डालेंगे, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कैप्चा को टाइप करेंगे। नेक्स्ट पर जाइए, जी हाँ, कैप्चा को टाइप करेंगे, कैप्चा कोड जो होता है। उसके बाद आप नेक्स्ट पर जाइए। नेक्स्ट पे जाने के बाद आपको इस तरह से एक नोटिफिकेशन आएगा। इसके बाद मोबाइल नंबर की वेरिफिकेशन के लिए मोबाइल नंबर कैप्चा कोड टाइप करके सेंड OTP पर क्लिक कीजिए। जी हाँ, कोड टाइप कीजिए और सेंड OTP पर क्लिक कर दीजिए। आपका OTP आएगा, ये आपका मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए हो रही प्रोसेस है। OTP एंटर करके कंफर्म कीजिए। उसके बाद आपको पासवर्ड सेट करना होगा। ध्यान रहे, ये वन टाइम पासवर्ड होगा। जब तक आपका फॉर्म सकुशल रूप से भर नहीं जाता है, इस पासवर्ड को आपको स्मरण रखना है, कहीं नोट डाउन कर लीजिए। अब प्रॉपर लॉगिन पेज पर आप आ गए, ये लॉगिन पेज है, लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हैं, जी हाँ, आपने लॉगिन किया। लॉगिन करने पे पासवर्ड डालेंगे आप। ये लॉगिन करने पर आप देख सकते हैं, आप बाईं तरफ देखिए, जी हाँ, लेफ्ट साइड में ऊपर बाईं तरफ आप देखिए, एक एरो आएगा जहां पर आप अपना, ये टिक हो गया, टिक से आप देख सकते हैं जहां पर आप अपना विवरण, स्कूल विद्यालय का विवरण, इनमें से एक सेलेक्ट करके अपने विवरण पर आ जाएं और उन्हें यथोचित रूप से भरते जाएं। जो चीजें जानकारी भरी जा चुकी है उनके सामने टिक का मार्क लगा हुआ है, आप भर रहे हैं। इस प्रकार से आप अपनी एक दिए गए साइज के मुताबिक अपना फोटो भी अपलोड करें, जी हाँ, PDF के फॉर्म में। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद में आपको अपनी बायोग्राफी, जो कि आपने पहले ही PDF के फॉर्मेट में तैयार रखी होगी, आपको अपलोड करनी होगी। बायोग्राफी जो कि आप अपने स्कूल के लिए, आपने क्या क्या किया है, किस प्रकार के कार्य किए हैं, क्या क्या प्रयास किए हैं या आपके क्या अचीवमेंट्स हैं, वो ज्यादा से ज्यादा 5000 शब्दों की होनी चाहिए। आप बायोग्राफी PDF अपलोड करें और आगे बढ़ें। विद्यालय की सूचना, विद्यालय के डिटेल विवरण पर क्लिक कीजिए। जिस तिथि को आपने विद्यालय ज्वाइन किया है, जी हाँ, मंथ और वर्ष के साथ उसे दर्ज करें। जो ही ये पूर्ण रूप से सिलेक्ट होगा, आपको एक मैसेज आएगा कि यहाँ तक आपका फॉर्म सही रूप से भर गया है। आप देख सकते हैं सेटिंग हो रही है। इस तरीके से आप विद्यालय का नाम, प्रदेश का नाम, जनपद का नाम, ब्लॉक का नाम, पिन कोड, UDAS कोड एवं जो भी जानकारी मांगी गई है वो आप इसमें अंकित कर सकते हैं। स्कूल विवरण, जी हाँ, किस तरीके का स्कूल है, क्या कैटेगरी है, ये आप इसमें दर्ज करेंगे। स्कूल विवरण में UDAS कोड, UDAS नंबर, प्रदेश वगैरह आते हैं। फिर आप देखेंगे ये टिक हो गया, स्कूल डिटेल्स आपकी ओके के बाद सेव हो गई है, सबमिट हो गई है। सर्विस रिकॉर्ड डिटेल्स में आएंगे। सेवा विवरण आप दर्ज करेंगे, उसमें किस वर्ष आपकी ज्वाइनिंग है, प्रथम नियुक्ति तिथि से लेकर कितने वर्ष की ज्वाइनिंग है, ये सब। उसके बाद में आपकी सेवानिवृत्ति तिथि, सेवानिवृत्त आपको कब होना है, उस तिथि को अंकित करना अनिवार्य है। दिनवार वर्षवार चुनकर आप भरिए और इसको यहाँ पर सेव कर दीजिए। इसका भी PDF आपको अपलोड करना होगा। सर्विस रिकॉर्ड भी हो गया, स्कूल डिटेल हो गई, ये सब PDF के फॉर्म में आपको अपलोड करना है। आप आगे बढ़ते हैं, जी हाँ, इस प्रकार से PDF के फॉर्म में अपलोड करना है। अब आपको स्कूल वाइज सर्विस रिकॉर्ड देना है, अर्थात जहाँ जहाँ भी आज तक आपने कार्य किया है उसका विवरण देना है। जिन जिन कक्षाओं को आप पढ़ाते रहे हैं उनका विवरण देना है, कितना नामांकन है विद्यालय में, किस वर्ष आपने विद्यालय ज्वाइन किया था, आपकी नियुक्ति से लेके जहाँ जहाँ आपका ट्रांसफर हुआ है, प्रमोशन हुआ है, आप समस्त नियुक्ति की डिटेल देंगे। कक्षाओं को आप किन कक्षाओं को पढ़ाते हैं और किन विषयों को पढ़ाते हैं या पढ़ा रहे हैं, इसका भी आप विवरण अंकित कराएंगे। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ्स, जो भी है आप इसको भी अंकित करेंगे। उसके बाद अगर आपको किसी अन्य प्रकार की जिम्मेदारी दी गई है, एनी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसका भी आप यहाँ पर अंकित करेंगे। इसके बाद ओके पर क्लिक कीजिए और ये सेव हो जाएगा। ध्यान रहे, हमें हर बार ओके पर क्लिक करके सेव करते जाना है, अन्यथा की स्थिति में डेटा सेव नहीं होगा। फॉर्म को बहुत ही प्रिसाइजली, बहुत ही ध्यानपूर्वक एवं धैर्यपूर्वक भरना है। जी हाँ, इस तरीके से ये आपने समस्त डेट्स वगैरह मेंशन कर दी हैं।
गुड, एक बार आप रीचेक कर लेंगे, प्रीव्यू कर लेंगे, उसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे। सेव रिकॉर्ड के बाद आप आगे बढ़ेंगे। इंस्टीट्यूशन वाइज सर्विस रिकॉर्ड, ये हो गया है, इसको आपने भर लिया है। इस तरीके से एक एक ऑप्शन को आप देखेंगे, विकल्पों पर बहुत ध्यान दीजिएगा और उसी आधार पर भरिएगा। बिल्कुल, इस तरीके से भरने के बाद अब आप आगे बढ़ेंगे, डेटा सेव करते जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। सर्विस रिकॉर्ड्स हेतु पुनः मैं बता रही हूं, जितने भी विद्यालयों में आपने नियुक्ति पाई है, जिन जिन क्षेत्रों में काम किया है, उनको मेंशन करना अत्यावश्यक है। आप समस्त जानकारी पूर्ण रूप से भरेंगे। रीचेक आपने कर लिया है, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन हो तो रीचेक कर सकते हैं, ओके करके सेव कर दीजिए। अब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके अनुभव की बात होगी, सेवा विवरण के साथ साथ आपने अपना अनुभव भी इसमें, वर्षों में जितना भी तिथिवार एवं मंथवार होगा वो अंकित करेंगे। एक्सपीरियंस की अगर कोई डिटेल है या 500 शब्दों में आप टिप्पणी लिखना चाहते हैं तो वो टिप्पणी भी आप यहाँ पर 500 शब्दों की शब्द सीमा में लिख सकते हैं। एड एक्सपीरियंस डिटेल्स के बाद आप आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, इस तरीके से आप एक बार पुनः प्रीव्यू कर लेंगे कि टिक जिस पर लगा है, जिस पर एस्ट्रिक लगा है, वो डिटेल अभी देना है, और जिस पर टिक इन हो गया है वो डिटेल आपका सबमिट हो चुका है या पहुंच गया। अब आप आएंगे ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया डिटेल्स पे। यहाँ पर अन्य प्रश्न दिए गए हैं जिनके साथ आपको बराबर 5000 शब्दों की टिप्पणी भी लिखनी है तथा URL लिंक्स भी शेयर करने हैं। पहला है कि आपने किस प्रकार के कार्य किए हैं, वर्क डन बाय योर टीचर, जो भी आपने इनकरेज करने के लिए सोसाइटी को या स्कूल की फंडिंग के लिए। दूसरा प्रश्न है कि आपने पब्लिकेशन ISBN और ISSN नंबर आपको मेंशन करने हैं। एक बात का ख्याल रखना है, आपको जो भी साक्ष्य या प्रमाण इसके साथ लगाने हैं वो आपको ऑलरेडी पहले से YouTube पर उसको शेयर करना है, फिर YouTube से उस लिंक को उठाकर यहाँ पर URL लिंक को उठाकर यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देना है। इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपके साक्ष्य एविडेंस प्रमाण पूरी तरीके से ओरिजिनल हों और पूरी तरीके से प्रश्नों से संबंधित हों। इसी प्रकार से चौथा, इसी प्रकार से पांचवां, इसी प्रकार से छठवां, सातवां, आठवां एवं अन्य प्रश्नों के लिए आपको करना है। टिप्पणियों का खास ख्याल रखिएगा, टिप्पणियों को लिखते वक्त शब्द सीमा का भी ध्यान रखिएगा। 5000 शब्दों में आपको टिप्पणियां लिखनी है, इससे कम भी हो सकता है लेकिन शब्द सीमा इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर आपके पास कोई वीडियो या URL लिंक नहीं है तो आप उसे खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद में नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आ जाता है, NCERT या SCERT के लिए आपने किस प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए हैं या कितने ई कॉन्टेंट्स तैयार किए हैं या कितने वीडियोज तैयार किए हैं, उनकी यहाँ पे नंबरिंग करनी है। अगर आपने एक भी वीडियो नहीं तैयार किया है तो आपको जीरो करना है, आप यहाँ पर शून्य दर्ज कर सकते हैं। कितने आपने नवाचार किए हैं तथा किस प्रकार के कार्य किए, उनकी नंबरिंग यहाँ पे करनी है। टिप्पणियों का खास ख्याल रखें, आपको प्रश्नों से संबंधित टिप्पणी भी देनी है। उसके बाद में आप डिटेल्स पे जाकर ओके करेंगे और ओके करके इसको सबमिट करेंगे। एक बार पुनः ऊपर की तरफ चेक कर सकते हैं कि कहीं कोई चीज छूट तो नहीं गई। इन प्रश्नों का उत्तर आपको बहुत ही धैर्यपूर्वक और समझदारी से देना है। अगर आपने बोर्ड के लिए किसी प्रकार का कंटेंट बनाया है तो उसका भी उल्लेख आपको करना है। जी हाँ, हाँ हाँ, यहाँ पे हर प्रश्न का उत्तर आपको पूर्णतया देना सुनिश्चित करना होगा, फिर आगे जाकर ओके बटन पर क्लिक करना होगा। आप ये समझ लीजिए कि पूरा फॉर्म आप एक बार में नहीं भर सकते, इस बात को जरूर दृष्टिगत रखें और आप कई चरणों में इस फॉर्म को भरें। अब आप पीछे देखेंगे तो जहां जहां पर टिक हो गया है वो सूचनाएं आपकी सबमिट हो चुकी है। आप एक बार पुनः जांच लीजिए कि आपको यह स्क्रीन पर टिक के रूप में क्या क्या दिख रहा है। ओके, जो जो आप भर चुके हैं ओके करके सेव कीजिए। आप कई चरणों में इस फॉर्म को भर सकते हैं, मैं पुनः बता रही हूँ, आपके पास पासवर्ड है और आप लॉगिन और पासवर्ड करके कई बार फॉर्म को कई चरणों में भर सकते हैं। अब ये फॉर्म चेक हो चुका है, आगे आते हैं क्राइटेरिया बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। इसमें भी आपको अपनी टिप्पणी लिखनी है और एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताना है, जितने भी आपने इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट्स जॉय फॉर लर्निंग या ICT या अदर शिक्षण अधिगम सामग्री को बेहतर बनाने के लिए किए हैं। यहाँ पर आप डिटेल देंगे, URL लिंक भी देंगे और टिप्पणियां भी देंगे जो कि 5000 की शब्द सीमा में होंगी। आपको उनके नंबर लिखने हैं, अगर आपने कोई नवाचार नहीं किया है तो आप शून्य लिख सकते हैं। उसके बाद में इसी प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद आप दूसरे प्रश्न पे बढ़ेंगे, उसमें भी सेम प्रोसेस करनी है। तीसरे प्रश्न पे बढ़ेंगे, मोबिलाइजेशन सोसाइटी के लिए आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या मदद ली है उसको लिखेंगे। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, ध्यान रहे कि URL लिंक आपको YouTube से
ही अपलोड करके यहाँ पर पेस्ट करना है। पीडीएफ्स का भी खास ख्याल रखें, अगर आप कोई पीडीएफ लगा रहे हैं तो वो भी सही तरीके से लगाएं। अन्य दस्तावेजों को भी प्रामाणिक रूप से ही दर्ज करें। यूजर नेम और आपका पासवर्ड वही रहेगा, इसलिए आप बार बार अपना फॉर्म रीचेक कर करके भर सकते हैं। आपने देखा यहाँ पे टिक्स लगते जा रहे हैं। अब आप आइए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में। यहाँ पे कंबाइंड जितनी भी पीडीएफ्स और यूआरएल लिंक्स हैं उनकी एक उनको आप गूगल ड्राइव पर सेव कर देंगे और उस गूगल ड्राइव का कंबाइंड लिंक जो समेकित रूप से लिंक आएगा वो आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे। सबसे आखिरी में अपनी कुछ टिप्पणी लिखेंगे, जो भी आप लिखना चाहते हैं। पूरे फॉर्म को एक बार रीचेक कर लीजिए, फोटोज, डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, अदर डिटेल्स, सर्विस रिकॉर्ड, और ये टिक्स जरूर देख लीजिए कहीं एस्ट्रिक मार्क तो नहीं है। जहां पर भी टिक है वो आपकी जानकारी सबमिट हो चुकी है। अब आप एक बार फिर से देख लीजिए। देखने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा जिसे आप आगे भी आवश्यकता अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। इस रेफरेंस नंबर को अपने पास सेव रखिए, सुरक्षित रखिए। प्रस्तुत साक्ष्य पीडीएफ्स वगैरह आपने देख लिया है, गूगल ड्राइव पर सेव रखिएगा और ईमेल डालकर आप कुछ आप एक बार चेक कर लीजिए और फाइनल सबमिशन की तरफ आप कदम बढ़ा रहे हैं। जी हाँ, ये हो गया फाइनल सबमिशन। स्माइल कीजिए साथियों, देर ना करिए, आवेदन करिए। और आपको मैं बहुत बहुत आभार ज्ञापित करती हूँ कि आपने इस वीडियो को धैर्यपूर्वक सुना, और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग आवेदन करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल टीचर्स। सभी प्रतिभागियों को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।